अक्षय खन्ना, सोनाक्षी सिन्हा और सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म इत्तेफाक ने पहले वीकेंड पर ठीक ठाक कलेक्शन कर लिया है। हालांकि फिल्म की शुरुआत काफी धीमी रही। पहले दिन इस फिल्म ने 4,05,00,000 रुपए का बिजनेस किया, मगर शनिवार को इस फिल्म का कलेक्शन शुक्रवार से काफी बेहतर रहा और रविवार को इस फिल्म ने दूसरे दिन के मुकाबले 1 करोड़ रुपए का कारोबार ज्यादा किया। यानी 3 दिनों में इस छोटे बजट की फिल्म का कारोबार 16 करोड़ रुपए के पार हो गया है। ऐसे में फिल्म के रिलीज के बाद फिल्म के तीनों स्टार्स अक्षय, सोनाक्षी और सिद्धार्थ ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस और फिल्म के अच्छे कलेक्शन पर जताई अपनी खुशी। डेफिनेटली हाँ, ऑल्सो और हमें लग रहा है कि बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि इस टाइप की फिल्में, इस जॉनर की फिल्में बहुत कम बनती है फिल्मों में, एंड उस हिसाब से विदाउट एनी प्रमोशंस, विदाउट एनी सॉन्ग्स जो ओपनिंग मिली है, आई थिंक इट्स ग्रेट। ऑल्सो बिकॉज एकदम टिपिकल कमर्शियल पिक्चर नहीं है, वी डोंट हैव द रेगुलर नाच गाना लोकेशन एंड अदर थिंग्स की लोगों को अट्रैक्ट कर पाए। जैसे कि मैंने पहले कहा, इट्स अ वेरी कॉन्टेंट स्टोरी ड्रिवन फिल्म, तो वी आर एंजॉइंग कि यार खुद ही जब लोग पसंद करते हैं और बिजनेस बढ़ता है, इट्स दिस फिल्म स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। एंड लोगों ने खास करके प्रोमो देखे, बिल्कुल सिर्फ ओनली प्रोमो देखे, एंड फ्रॉम व्हाट एवर इनिशियल रिस्पॉन्स आई हैव गॉट इज वेरी पॉजिटिव, सो वील एनालाइज इट लेटर, बट राइट नाउ इट्स वेरी वेरी पॉजिटिव। अभी आज के बाद अगर हम बोले तो ऑब्वियसली हम हाइंडसाइड कह सकते हैं कि अच्छा बिजनेस कर रही है, बट आई थिंक शुरुआत में हम किसी का थॉट नहीं था कि यार ये पिक्चर एक्स वाई जी नंबर करें, बिकॉज जैसा कि मैंने कहा ये टिपिकल कमर्शियल पिक्चर के अंदर नहीं आती है। तो यहाँ पे लोगों को हमारा काम पसंद आए, कहानी पसंद आए, या लोगों को लगे कि अच्छी मर्डर मिस्ट्री है, एक थ्रिलर है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। जो हमें कल मतलब मेरे को सबको मैसेज आ रहे हैं एंड टेक्स्ट आ रहे हैं, तो वी आर आई थिंक पर्सनली मोर हैप्पी अबाउट दैट। इट्स अ बोनस दैट द फिल्म इज डूइंग वेल एट द बॉक्स ऑफिस, सो दैट्स आई एम वेरी हैप्पी वी आर ऑल सिटिंग हियर एंड टॉकिंग टू यू। कोई भी फिल्म जब रिलीज होने को होती है तो प्रमोशनल एक्टिविटीज की जैसे बाढ़ सी आ जाती है, मगर इत्तेफाक के साथ ऐसा नहीं हुआ। एक स्ट्रैटेजी के तहत फिल्म की ग्राउंड एक्टिविटीज ना के बराबर हुई। फिल्म के रिलीज के 4 दिन पहले सिर्फ एक इवेंट रखा गया जिसमें शाहरुख खान शामिल हुए। और रिलीज के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। इस सस्पेंस थ्रिलर फिल्म के लो की प्रमोशन पर इन तीनों सितारों ने अपनी मुहर लगाई। आदमी प्रोमो देखता है फिल्म का, तभी वो अपना मन बना लेता है कि मेरे को देखनी है पिक्चर, नहीं देखनी है। उसके बाद उस फिल्म का एक्टर अगर एक इंटरव्यू करेगा या 1000 इंटरव्यू करेगा, उससे मेरे को नहीं लगता है कि ज्यादा कुछ फर्क पड़ता है। हाँ, अवेयरनेस बढ़ता है, पर वो निर्णय जो उन्होंने लिया है प्रोमो देखने के बाद वो नहीं बदलता है। मैं सबसे खुश हूँ। बिल्कुल, आई थिंक इट्स अ बिग रिलीज। नहीं, अच्छी बात है। और ऑनेस्टली जिस टाइप की फिल्म है इत्तेफाक, अगर हम बहुत ज्यादा इसके बारे में बोलते तो शायद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ निकल आता जो हम नहीं चाहते थे, और वही हुआ। मर्डर मिस्ट्री है, सस्पेंस अगर एंड तक रहे, लोगों के दिमाग में रहे, तो आई थिंक बेहतर है, एंड विच इज वॉट हैपन, सो वी आर वेरी हैप्पी अबाउट दैट। क्लेवर थिंग दे डिड वाज कि दे सेव द मनी दैट दे स्पेंड ऑन प्रमोशन एंड मेकिंग अस ट्रैवल एंड वी पुट इट इन मीडिया स्पेंड, तो आई थिंक उसकी ज़्यादा वैल्यू मिलती है आपको। बिकॉज अगर आप कभी कभी हम जो पैसे लगते हैं ट्रैवल करने में, प्रोडक्शन करने में, और टाइम भी जो लगता है, समटाइम्स आर नॉट कम बैक इन रिटर्न एंड टाइम्स हैव चेंज्ड। आई थिंक सो आई थिंक वाज अ ग्रेट कॉल बाय ऑल द प्रोड्यूसर्स टू नॉट प्रमोट, एंड वी प्रीटी हैप्पी दैट टुडे विदाउट दैट वी गॉट अ गुड फ्राइडे एंड इट्स ग्रोइंग ऑन अ सैटरडे एंड पीपल आर सेइंग गुड थिंग्स एंड पॉजिटिव, सो या इट्स वर्क्ड आउट प्रीटी वेल। सोनाक्षी सिन्हा के पापा शत्रुघ्न सिन्हा भी सोशल मीडिया पर सोनाक्षी की इस फिल्म को प्रमोट करते नजर आए थे। पापा, 3 तारीख को हमारी फिल्म इत्तेफाक रिलीज हो रही है, तब तक से नो टू स्पॉयलर्स, खामोश। ऐसे में जब हमने सोनाक्षी से पूछा कि क्या उनके पापा ने ये फिल्म देखी है, तो हमें मिला ये जवाब। जी, 2 बार देखी। वो पहली बार उन्होंने देखी, उन्हें इतनी पसंद आई कि वो दिल्ली चले गए थे, बोला कि अगली स्क्रीनिंग कब है, मैं स्पेशली उसके लिए वापस आऊंगा, और वो वापस आए और उन्होंने दोबारा फिल्म देखी, उन्हें बहुत पसंद आई। चलिए सोनाक्षी, अक्षय और सिद्धार्थ, हम तो बस यही चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा दर्शक इस फिल्म को देखने के लिए थिएटर में पहुंचे।
एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सलमान खान की हर फिल्म का इंतजार उनके फैंस बेसब्री से करते हैं और सलमान की अगली रिलीज टाइगर जिंदा है के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। फिल्म तो रिलीज होगी 22 दिसंबर को, लेकिन एक के बाद एक रिलीज किए जा रहे इसके पोस्टर्स ने फैंस की उत्सुकता और बढ़ा दी है। और इसी कड़ी में अब जुड़ गई है सलमान खान की ये ताजा तस्वीर, जिसमें सलमान खान घोड़े की सवारी करते नजर आ रहे हैं। बता दें कि इस एक्शन सीक्वेंस की शूटिंग सलमान ने मोरक्को में की है और इस एक्शन सीक्वेंस की शूटिंग से पहले सलमान खान ने खास तौर से 3 दिन की तैयारी की थी। सोशल मीडिया के शोशा में सबसे पहले बात करेंगे सनी लियोने की। अपने कजिन के साथ नाचती झूमती सनी ने इस वीडियो के जरिए बताया कि लाइफ में उनकी कितनी मौजा ही मौजा है। अब बात करते हैं रवीना टंडन के इस हॉट अवतार की। हाल ही में उन्होंने एक मैगजीन के लिए एक फोटोशूट कराया, जिसकी एक तस्वीर उन्होंने इंस्टाग्राम पर शेयर की है। अब बात करते हैं कपिल शर्मा की, जिनकी अगली फिल्म फिरंगी जल्द ही रिलीज होने वाली है। इंस्टाग्राम पर कपिल ने अपनी नीज का गाता हुआ एक मजेदार सा वीडियो डाला है। हाल ही में अथिया शेट्टी ने अपना जन्मदिन काफी धूमधाम से मनाया, जिसकी एक तस्वीर अथिया ने खुद शेयर की है सोशल मीडिया पर। बरेली की बर्फी में लोगों का दिल जीतने वाले आयुष्मान खुराना जल्द ही श्रीराम राघवन की अगली फिल्म में नजर आएंगे। डायरेक्टर श्रीराम राघवन की ये तस्वीर शेयर करते हुए आयुष्मान ने कहा है कि वो जल्द ही इस फिल्म का नाम भी बताएंगे और इस फिल्म का फर्स्ट लुक भी जारी करेंगे। चलिए अब बात करते हैं दो बेस्ट फ्रेंड्स स्मृति ईरानी और एकता कपूर की, जिनकी मुलाकात एक बार फिर से हुई ITA अवार्ड्स में, जिसकी चंद तस्वीरें खुद एकता कपूर ने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। आलिया भट्ट एक खास मकसद की खातिर पहुंच गई हैं नासिक। दंगल गर्ल फातिमा सना शेख को चाय पीने का बहुत शौक है और इसी शौक की एक तस्वीर उन्होंने साझा की है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर। ये है ABP News, आपको रखे आगे।